नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज आई जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से मरने वाले किसी भी धर्म के व्यक्ति को शव को जलाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्ति के शव को जलाया जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्ति के शव को जलाना जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। उसे दफनाने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में केवल 5 लोग शामिल होंगे। माना जाता है कि शव को दफनाने से दूसरे में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। यही कारण है कि शव को जलाना ही इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीका है। और उसके साथ ही साथ इन्होंने जो WHO की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग ये बात कही है। वहीं मुंबई में BMC के आयुक्त ने कहा है कि कोरोना वायरस के रोगियों के सभी शवों को धर्म की परवाह किए बिना अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। उन्हें दफनाने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि उन्हें जलाया जाएगा और अंतिम संस्कार में से 5 लोग से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं। ज्ञात हो कि नगर निगम ही अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रम को देखती है। अंतिम संस्कार को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए दिया है सुझाव। तो अकॉर्डिंग टू WHO यह संक्रमण रोकथाम, महामारी नियंत्रण और स्वास्थ्य देखभाल में महामारी प्रवृत्त तीव्र श्वसन संक्रमण पर गाइडलाइंस में शव को आइसोलेशन रूम या किसी क्षेत्र से इधर उधर ले जाने के दौरान शव के फ्लूड से सीधे संपर्क में आने से बचने के लिए निजी सुरक्षा उपकरणों का समुचित इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। शव को अभेद बॉडी बैग में पूरी तरह सील करने की सिफारिश। तो मुर्दा घर में शव की देखभाल और पोस्टमार्टम जाँच के लिए WHO ने तीव्र श्वसन संक्रमण से मरने वाले व्यक्ति के शव को मृता घर, शमशान या कब्रिस्तान ले जाने से पहले अभेद बॉडी बैग में पूरी तरह सील करने की सिफारिश की है, ताकि जो इन्फेक्शन वो फैल ना सके और शव के फ्लूड्स का कोई भी लीकेज ना हो सके। WHO शव को संभालने वालों के लिए नष्ट किया जा सकने वाले लंबे आस्तीन के कफ वाले गाउन जैसे निजी सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल की सलाह देता है। अगर शव के बाहरी हिस्से पर बॉडी फ्लूड्स, मल या कोई स्ट्राव दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में ग्राउंड वाटर प्रूफ होना चाहिए। अंतिम संस्कार करने वाले कर्मियों को बरतना चाहिए एहतियात। तो अकॉर्डिंग टू WHO मुर्दा घर कर्मियों और अंतिम संस्कार करने वालों को हाथों को समुचित रूप से साफ रखने जैसे मानक एहतियात बरतनी चाहिए और उचित निजी सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर शव से फ्लूड्स या उसके कुछ छींटे आने की संभावना है तो चेहरे की सुरक्षा करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो दोस्तों, यह महाराष्ट्र सरकार ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। तो इस ब्रेकिंग न्यूज़ के अनुसार क्या है कि चाहे जो इन्फेक्टेड पीपल है जिनका जो मर चुके हैं तो वो सिर्फ जलाना ही एक बेहतर विकल्प है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो दोस्तों, यहीं पे मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। नाम है